अस्सलाम वालेकुम नाजनी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही लजीज, टेस्टी और ऐसी कि आप लोग उंगलियाँ चाट जाएंगे। जी हाँ, आप लोग इसको बनाएं और ऐसा हो नहीं सकता कि लोग जो आपकी इस रेसिपी को ट्राई करें वो आपको दाद ना दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम बताते हैं कि रेसिपी क्या है। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है सिरके वाला चिकन आलू। तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसकी रेसिपी क्या है ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 1 किलो मुर्गी ले ली है, ठीक है। 1 किलो ही आलू है, बच्चे शौक से खाते हैं नमकीन आलू। इसकी जरा आप शेप दिखा दें। हाँ जी, आलू मैंने ना ऐसे मोटे मोटे से ले लिए हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से भी काट सकते हैं, ये ना अच्छे लगते हैं, ठीक है। 1 चम्मच मैंने लिया दादरी मिर्च का, नहीं आधा चम्मच है दादरी मिर्च का, आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच जीरे का। मतलब 3 स्पाइस हम लोगों ने लिए हैं, दादरी मिर्च है, नमक है और जीरा। वो तो ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये 2 डोइयाँ तेल की, ठीक है। सिरका जब ये तैयार हो जाएगी मुर्गी आलू तो फिर इसमें सिरका डालेंगे। नहीं मतलब अब आपने क्या इसको फ्राई करना है? हाँ जी, थोड़ा सा इसे मतलब भूनती हूँ ना, फिर आलू डालती हूँ इसमें। अच्छा, मतलब प्याज वगैरह कुछ नहीं डाले हम लोगों ने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सूखी पकती है, इतनी मजे की बनती है आप देखना। ठीक है, तो अब आपको पता तो है मैं पकाती हूँ। नहीं तो अब हम लोग मतलब इसको पकने के लिए रख रहे हैं। मैं रखने लगी हूँ आलू, फिर मैं ना 5 मिनट के बाद भून के बाद इसे अच्छी तरह फिर आलू डाल के ना जरा सा पानी डाल के आलू गलने रख दूंगी, साथ ही मसाला डाल दूंगी। आलू जब तैयार हो गए, मुर्गी गल गई, फिर हम सिरका डालेंगे इसमें, ठीक है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखना कि मज़ेदार सी जोन सी आज की रेसिपी है सिरका चिकन आलू, वो कैसे तैयार होगी। मुझे खुद बहुत पसंद है और मैं आधा कप डालेंगे सिरके का, ठीक है। ये जल्दी से मज़ेदार, अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं ज़्यादा अगर खट्टा करना है, कम करना है, वो सब। रेसिपी तैयार हो जाए और मैं इसको खा लूँ। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखना है, कहना ये बहुत खाती है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखना है, कहीं नहीं जाना, कि मज़ेदार सी जोन सी आज की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखे ना, मैं ना इसे भून रही हूँ अच्छी तरह, थोड़ा सा भूना जाए फिर मैं आलू भी डाल दूंगी इसमें। तो बिल्कुल ये सूखा फूका सा सालन बनेगा, मतलब सिर्फ इसके अंदर आलू होगा खाने के लिए और चिकन होगा, क्योंकि प्याज तो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल नहीं किया, तो इसकी ग्रेवी तो कोई बनेगी नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी सी जो सी चिकन आलू की रेसिपी है वो तैयार होगी। तो व्यूवर्स, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, मुझे बहुत पसंद है और एक डिफरेंट सा टेस्ट हो जाएगा चिकन के हवाले से। मतलब चिकन तो हर घर में बनता है, तो हम आपके लिए डे बाई डे यूनिक से यूनिक और ईजी से ईजी रेसिपी लेकर आते हैं, ताकि आपको जो सा हेल्पफुल रहे कि अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि हर घर में यही सवाल होता है कि आज क्या बनेगा। तो हमारा जो चैनल कुकिंग विद नाज़नीन है, आपके उसी सवाल का जवाब है कि आज आप लोग ये बना सकते हैं, आज ये बन सकता है। तो हम आपको बहुत इजी वे में गाइड करते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज होती हैं, हमें सब लोग बहुत अच्छी अपनी फीडबैक देते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मम्मा, अभी हम इसको कितनी देर और मज़ीद भूलेंगे? 5 मिनट और भून के ना, ठीक है। तो फिर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे, फिर आलू डालने के बाद सिरका भी साथ डाल देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। नहीं, सिरका नहीं डालना, फिर वो गलेंगे नहीं आलू, ठीक है। मतलब वो थर जाएंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि खटास की वजह से अगर इमली भी हो सिरका, इस चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये बच्चे जो मिर्चें भी नहीं ना खाते, उन्हें भी ये बना के दें ना आप, वो भी शौक से खा लेते हैं और ये बन भी जल्दी जाती है। हाँ, चिकन तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, तो अगर मतलब आपके घर गेस्ट आ गए हैं ऑल ऑफ सडन और आपको, तो ये जी मम्मा ने अब इसके अंदर जो आलू हैं वो भी शामिल कर दिए हैं, तो एक डिफरेंट सा हो जाएगा। आलू अपनी मर्जी से भी आप काट सकते हैं जी, क्योंकि चिकन के हवाले से यही है ना कि बदले शायद इसका कौरमा बनाया जा सकता है, कढ़ाई बनाई जा सकती है। तो आज हम आपको डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको बनाए तो इंशाल्लाह जो आपके गेस्ट या आपके घर वाले होंगे वो बहुत आपसे इंटरेस्ट होंगे और आपको दाद ये बिना नहीं रह सकेंगे। हाँ जी, ये ना हम 5 मिनट भूनते हैं इसे, हो गए अभी तो थोड़ा सा टाइम हो गया, और भून के ना इसे अच्छी तरह, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना गलने के लिए रख देंगे। अब मैंने इसमें ना मसाले भी डाले। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस स्टेज पे जो स्पाइसेस है इसके अंदर शामिल किए हैं। पहले हम लोगों ने जो चिकन है उसको हल्का सा हम लोगों ने घी में जो है फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हम लोगों ने उसको टोस्ट किया है, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जो से आलू हैं वो शामिल कर दिए हैं, उनको हम लोगों ने थोड़ी देर पकाया, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस वो डाल दिए हैं,
तो ये देखिए माशाल्लाह आलू कितना इसका अच्छा लग रहा है। अभी ये जब तैयार हो जाएंगे ना आलू, तो मुर्गी गल जाएगी, फिर इसमें ना सिरका डालेंगे आधा कप। ठीक है, तो आधा कप हम सिरका, उसकी वजह से बहुत इसका अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। हाँ जी, खट्टा सा, क्योंकि आज की रेसिपी भी हमारी यही है, सिरका सिरके वाला चिकन आलू। तो आप लोग इसको ट्राई करें। तो फिर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के मज़ेदार से, जो से सिरके के साथ हम लोग चिकन और आलू की रेसिपी को तैयार करें वो कैसे फाइनल होगी। हाँ जी, मैंने पानी भी डाल दिया आधा कप, तो मतलब भून भी लिया। आप ये थोड़ा सा ना गल जाए, तो आलू भी गल जाए, मुर्गी भी गल जाए, फिर सिरका डालते हैं। ठीक है, तो अब हम बकने के लिए मतलब इसे रख रहे हैं ढककर। हाँ जी। तो जब तक ये गलेगा नहीं, इसके बाद तब तक हम सिरका नहीं डालना। जब ये गल के तैयार हो जाएगा, हाँ, तो फिर घी भी निकल आएगा, तो ये फिर तैयार। ठीक है, हाँ जी, ये देखे ना पक रहे हैं, थोड़े से हैं आलू भी, मैं कसर वो भी हो जाएगी। आलू अव्वल तो हो गए, आलू भून लेते हैं। हाँ जी, गलने शुरू हो गए आलू, नए थे ना आलू, तो अब इसे भूनते हैं। तो मतलब पानी भी को खुश कर लेना हम लोगों ने। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर सिरका शामिल कर लेना, क्योंकि घी तो हम लोगों ने जो कुकिंग ऑयल है वो तो शामिल किया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग उसको भून लेंगे और फिर सिरका डाल के जो हमारी रेसिपी वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद है, हमें अपनी फीडबैक देकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है रेसिपी, और एक थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा चिकन के हवाले से। एक रेसिपी आपके साथ हमें शेयर की है जो बहुत ईजी भी है, और आप लोग उसको बना के इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका पानी खुश करते हैं और आपको दिखाते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा पानी खुश हो जाए, उसके बाद जो है इसके अंदर हम सिरका वो शामिल करते हैं। ये मैंने सिरका डाल दिया आधा कप, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपने करना है। मतलब इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं ना अच्छा लगता सालन। बस ये हमारी हांडी तैयार हो गई है, अब घी आ जाए, भूनी गई है, ये देखिए मुर्गी भी गल गई है, आलू भी माशाल्लाह हो गए हैं। तो अब ये सिरका डाला ना, ये पानी सूख जाए, फिर दिखाते हैं आपको। जी, तो व्यूअर्स इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्ती यहाँ पर खुशबू आ रही है, और आलू जो से वो भी गल गए, चिकन जो है वो भी तैयार हो गया, सिरका हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। तो मम्मा अभी बिल्कुल फाइनल हो चुका है, बहुत मज़े का जायका है, मैं आप निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब मामा इसको डिश आउट कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि धुआं कितना निकल रहा है, गर्मा गर्म ये जो हमारी रेसिपी है तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है हमारी ये रेसिपी। वाओ, अमेजिंग, ज़बरदस्त। आप खाएंगे, याद करेंगे कैसा बनाई है, और झटपट बन भी गया। बिल्कुल, अगर आपके घर आलो सडन गेस्ट आते हैं और आपको चिकन के हवाले से, मतलब चिकन घर में पड़ा हुआ है और आपको बनाना है, तो क्योंकि इसमें आपको प्याज काटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए जी, तो बिना प्याजों के हम लोगों ने एक मसाला से इसका तैयार हो गया, कितना मज़ेदार से ये लग गया। अब आप इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, तो इसको बनाकर आप लोग इन्जॉय करें। देखेंगे, ये भी आ गया, ये घी भी आ गया। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना हो तो वो तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है सिरके वाला चिकन आलू पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी जो सी हर आने वाली नई उसका नोटिफिकेशन पर मिल सके। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।